हाँ, ये फॉर्मेलिटी पूरी करके छोड़ दे। हाँ सर, ऐसे ही कुछ कर रहे होंगे ये लोग भी, सब सेम ही करेंगे वैसे तो। गुड आफ्टरनून, गुड गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। सबको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सभी के पास? यस सर। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोगों ने कल पढ़ लिया है, उसके कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर हो गए थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताए कल हम लोगों ने। अब आज का जो टॉपिक है वो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कल हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने बताया कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इस पार्ट के अंदर आता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक तो पार्ट था इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमारी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी थी।
अब दूसरा जो पार्ट आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वो है रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसके अंदर आपका आईआर और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। ठीक है, तो ये दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी रोटेशनल वाइब्रेशनल के अंदर आती हैं, और साथ ही साथ इनके साथ एक माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम लोग पढ़ने वाले हैं जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, तो इनमें से आईआर जो है वो प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, माइक्रोवेव प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और रमन जो है उसके अंदर दोनों होते हैं, वाइब्रेशन भी होते हैं और रोटेशन भी होते हैं, रोटेशनल और वाइब्रेशनल दोनों तरह के मोशन होते हैं इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉम्बिनेशन। ठीक, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर मैं आपको किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें, सन से जो रेडिएशन मिलते हैं तो उसके अंदर यूवी विजिबल लाइट होती है, सन का जो रेडिएशन है उसमें यूवी लाइट होती है, विजिबल लाइट होती है, प्लस आईआर रेडिएशन होते हैं। ठीक है, तो यूवी लाइट तो आपको पता है कि जो ओजोन है वो हमारे इस अर्थ के सरफेस तक नहीं आने देती है, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन सन का जो रेडिएशन है उसके अंदर यूवी का परसेंटेज 5% अवेलेबल होता है। ठीक है, विजिबल लाइट जो है वो 50% है जो हमारे अर्थ तक आती है। अब 45% जो है वो सन के रेडिएशन का, डेट इज आईआर रेडिएशन। ठीक है, तो आईआर रेडिएशन 45% होता है। अब हमें ये तो पता चल रहा है कि जब हम सन के बारे में पढ़ते हैं तो कहते हैं सन गिव्स अस हीट एंड लाइट एनर्जी, तो लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन से हैं, विजिबल रेडिएशन और यूवी रेडिएशन। आईआर रेडिएशन जो है ये एक्चुअल में सन की हीट एनर्जी को कैरी करते हैं। आईआर रेडिएशन किसको कैरी करेंगे, हीट एनर्जी को। तो जब हम आईआर रेडिएशन की बात करते हैं तो एक्चुअल में हम हीट रेडिएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है, हम किसी भी मॉलिक्यूल को आईआर रेडिएशन में रखते हैं, और जनरली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर कंसीडर की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई लिक्विड कंपाउंड भी है तो उसे हम केबीआर के डिस्क को यूज करते हैं। ठीक है, केबीआर आपको याद आ रहा होगा, जैसे NaCl एक आयनिक सॉल्ट है ऐसे ही केबीआर भी एक आयनिक सॉल्ट है, और इस सॉल्ट का क्या एडवांटेज है कि ये आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, यानी ये ट्रांसपेरेंट होता है। ग्लास कांच की अगर बात करें, कांच जो है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि कंपाउंड की वजह से कितना एब्जॉर्ब हो रहा है और उस कांच की वजह से कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसलिए हमें एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आईआर के लिए ट्रांसपेरेंट हो। तो हमने क्या किया, केबीआर की डिस्क ली, यानी इस तरह से प्लेट टाइप होती है, प्लेट नहीं बहुत छोटे साइज की, आप ऐसे मान के चल सकते हैं जैसे एक टेबलेट होती है उस साइज की ये केबीआर डिस्क होती है, और इनके ऊपर हम या तो कोई सॉलिड कंपाउंड है तो उसकी एक पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं, या अगर लिक्विड है तो उसकी एक थिन लेयर इसके ऊपर कोट कर देते हैं। तो जब हम आईआर रेडिएशन पास करते हैं तो उससे यहाँ पे या तो एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, या तो एब्जॉर्प्शन होगा या ट्रांसमिटेंस होगा। तो एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस का जब हम एक ग्राफ खींचते हैं अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी तो उससे हमें एक सिग्नल मिलता है, इस तरह के ग्राफ बन के आता है, और उस ग्राफ के बेसिस पे हम उस कंपाउंड को पहचान सकते हैं। आईआर के रेंज ये यहाँ पे लिखी हुई है, 800 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक इनका रेंज होता है, तो इतना ज्यादा रेंज हमें याद करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें ये पता होना चाहिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हीट एनर्जी को हम लोग कंसिडर कर रहे होते हैं। और जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को हीट करना शुरू कर दें, अब देखिए यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल को सॉलिड स्टेट में फिक्स कर दिया है, ठीक है, तो अब क्या होगा, वो मॉलिक्यूल अपने इस स्पेस को, जो बीच का स्पेस है उसे दूर दूर करने के लिए वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, यानी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हमें सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो इस चैप्टर का, इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो भी
मॉलिकुलर वाइब्रेशन से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर वाइब्रेशन, इसे समझने के लिए आप लोगों को मैं एक अपना कैमरा जो है उसका एक्सेस दे रहा हूं, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। और आपके स्क्रीन पे नीचे की तरफ बहुत छोटा सा वीडियो मेरा आ रहा होगा, उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे जैसे मैं समझाता हूं उसे आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मॉलिकुलर वाइब्रेशंस जो हैं, जितने भी मॉलिकुलर वाइब्रेशंस हैं वो दो तरह के होंगे, पहला तो है स्ट्रेचिंग, दूसरा है बेंडिंग, ठीक है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन। वीडियो आ रहा है आप लोगों के पास मेरा? यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा था, ठीक। चलिए, तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्रेच हो रहा होगा, ठीक है। तो स्ट्रेच कराना मींस किसी भी लेंथ को, बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज करना, ठीक है, जितनी बॉन्ड लेंथ थी उसे हमने इंक्रीज कर दिया, या उसका वाइस वर्सा, यानी जो बॉन्ड है वो इंक्रीज जब किया तो उसे जब छोड़ दिया तो वो वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग मींस ऐसे बॉन्ड को खींचना और छोड़ना। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं अपने आप को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मान के चल रहा हूँ। तो ये जो पार्ट है, यहाँ कंधे जो है ये आपका कार्बन एटम हो गया फॉर एग्जाम्पल, ये हाथ जो है ये एक हाइड्रोजन एटम हो गया, और ये हाथ एक दूसरा हाइड्रोजन एटम हो गया। तो इसे मैं ये कह सकता हूँ कि जो मॉलिक्यूल है ये या तो AB2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कह सकते हैं, AB2 टाइप मॉलिक्यूल, या XY2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। AB2 कैसे, मतलब बीच वाला जो पार्ट है ये A हो गया, ये B, ठीक है। AB2 टाइप मॉलिक्यूल या XY2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ये X, ये Y, ठीक है। तो अब जब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो रहे हैं तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के अंदर जो ये बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ कम या ज्यादा होगी, ठीक है, इस तरह से बॉन्ड लेंथ कम या ज्यादा हो रही होगी। अब बेंडिंग वाइब्रेशन दूसरा है, बेंडिंग वाइब्रेशन। तो बेंडिंग वाइब्रेशन के अंदर क्या होगा, जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, सॉरी बॉन्ड एंगल जो है वो बॉन्ड एंगल चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल ये बॉन्ड एंगल बना हुआ है तो लेंथ तो वही रहेगी, बेंडिंग वाइब्रेशन में ये बॉन्ड एंगल चेंज होगा, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के अंदर बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, बेंडिंग वाइब्रेशन के अंदर बॉन्ड एंगल चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बताया गया है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के अंदर दो टाइप होंगे, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के अंदर क्या हो रहा है, या तो दोनों एटम अंदर की तरफ आ रहे हैं या दोनों एटम बाहर की तरफ जा रहे हैं, या तो दोनों की बॉन्ड लेंथ कम होगी एक साथ या दोनों की बॉन्ड लेंथ एक साथ ज्यादा होगी, तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के अंदर क्या हो रहा है, अगर एक तरफ की बॉन्ड लेंथ कम हो रही है तो दूसरी तरफ की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो इस तरह का जो वाइब्रेशन होगा उसे हम एसिमेट्रिक वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के दो टाइप हो गए, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। अब इसे अगर आपको डायग्राम एग्जाम में बनाना है तो ऐसे एनिमेटेड तो आप बना नहीं पाएंगे, तो आप सिमेट्रिक का वाइब्रेशन ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एरो बना के दिखा देंगे कि ये जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, या और इसके साथ ही दूसरा जो डायग्राम बनाएंगे उसके अंदर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती हुई दिखा देंगे, ठीक है। तो सिमेट्रिक के दो डायग्राम आप एग्जाम में दिखाएंगे, एसिमेट्रिक के दो डायग्राम होंगे जिसमें एक तरफ बॉन्ड लेंथ कम एक तरफ बॉन्ड लेंथ ज्यादा दिखाएंगे। तो इधर की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई है, इधर की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, फिर इसका वाइस वर्सा होगा, ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ये डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आप सिमेट्रिक के दो डायग्राम के फॉर्म में इसे दिखाएंगे और एसिमेट्रिक के भी दो डायग्राम के फॉर्म में इसे दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ ऐसे ही समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो एग्जाम में बनाना है वो ये डायग्राम बनाना है,
ठीक है, सिमेट्रिक के लिए इस तरह से, एसिमेट्रिक के लिए इस तरह से। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के अंदर क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है, यहाँ जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड की लेंथ चेंज हो रही है। इन्हें हम ए बी टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल या एक्स वाई टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर समझते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इन ए बी टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल या एक्स वाई टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, आपको आंसर सेम ही करना है। या मैं तो ये कहता हूँ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन का अगर क्वेश्चन आता है आपको आंसर यही लिखना है, चाहे कुछ भी पूछा जाए। अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के बाद अब दूसरे हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। तो बेंडिंग वाइब्रेशन के अंदर क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। WRT का मतलब क्या है, विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। तो विद रेस्पेक्ट का टू को हमने शॉर्ट में लिख दिया WRT। तो बेंडिंग वाइब्रेशन चार तरीके के होते हैं, पहला है रॉकिंग, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने एक डांस फॉर्म के बारे में सुना होगा, रॉक डांस या रॉक फॉर्म के जितने भी गाने हम लोग सुनते हैं उनके अंदर काफी फास्ट म्यूजिक होता है और जो डांसिंग के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है। तो जब हम एक डांस फॉर्म की भी बात करते हैं रॉक डांस, तो उसमें क्या होता है, कोई एक मेन हीरो है, मेन लीड हीरो है, और उसको बाकी के सारे लोग जो है वो कॉपी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सॉन्ग था कोई कहे कहता रहे, तो ऐसे ऐसे करके अगर हीरो कर रहा है तो सबको वही करना है, ठीक है। तो रॉकिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए मैं स्टेज पे जाता हूँ और आप सभी लोग मेरे साथ ही डांस करने के लिए आए हुए हैं, और मैं लेफ्ट की तरफ मूव करता हूँ तो सबको लेफ्ट की तरफ जाना होगा, और जब मैं राइट की तरफ मूव करता हूँ तो सब लोग राइट की तरफ मूव करेंगे। तो रॉकिंग वाइब्रेशन के अंदर क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है वो जब दोनों मॉलिक्यूल लेफ्ट जाएंगे तो दोनों लेफ्ट, और जब राइट जाएंगे तो दोनों राइट। तो इस तरह के जो वाइब्रेशन है दे आर रॉकिंग वाइब्रेशन। तो रॉकिंग वाइब्रेशन का जो डायग्राम होगा वो ऐसे बनाया जाएगा, पहले वाले में दोनों के दोनों मॉलिक्यूल लेफ्ट जा रहे हैं, सॉरी दोनों के दोनों एटम लेफ्ट जा रहे हैं, दूसरे वाले में दोनों के दोनों एटम राइट जा रहे हैं। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल रखना है, ठीक है। ये मेरे पास थोड़ा कम ज्यादा दिख रहा होगा लेकिन बॉन्ड लेंथ सेम ही रहेगी, बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हो रही है, केवल ऐसे करके मॉलिक्यूल कर बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। दूसरा है सीजरिंग। सीजरिंग को समझेंगे, जैसे सीजर मतलब कैंची हम लोग यूज करते हैं, तो कैंची चलाने में क्या होता है, ऐसे करके एक अंगूठा और एक फिंगर दोनों या तो एक दूसरे के पास आते हैं या दोनों वापस दूर जाते हैं, ठीक है। तो सीजरिंग के अंदर सेम ऐसे ही होगा, या तो दोनों एटम एक दूसरे के पास आ रहे होंगे या दोनों एटम एक दूसरे के दूर जा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें हमने लिखा है बोथ एटम अप्रोचेस टू ईच अदर और वाइस वर्सा। अप्रोचेस टू ईच अदर मतलब दोनों एक दूसरे के पास आना चाह रहे हैं, या वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट होगा। तो यहाँ पे दोनों पास आते हुए दिखाएंगे एक बार, और एक बार दोनों को दूर जाते हुए दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वैगिंग। वैग का मतलब होता है, वैग एक वर्ड है जिसका मतलब होता है हिलाना, ठीक है। तो एक्चुअल में वैग जो वर्ड है वो पूंछ हिलाने से रिलेटेड, डॉग जो पूंछ हिलाता है उसको वैग बोलते हैं। तो वैग करना मींस जैसे ऐसे ऐसे करके पूंछ हिलाते हैं, तो वैगिंग के अंदर भी सेम ऐसे ही होगा कि दोनों जो एटम है जैसे पूंछ हिलाने के लिए या तो ऊपर जाएगी पूंछ या नीचे आएगी, तो सेम ऐसे ही या तो दोनों एटम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं रॉकिंग में लेफ्ट एंड राइट, सीजरिंग में दोनों पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, और वैगिंग के अंदर ऊपर और नीचे, ठीक है। तो इसके अंदर अब ऊपर और नीचे दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस साइन यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्लस साइन का मतलब है पेपर प्लेन के ऊपर आ रहा है, ठीक है, और माइनस साइन यूज करेंगे जिसका मतलब है कि पेपर प्लेन के नीचे जा रहा है, ठीक है। तो वैगिंग के अंदर या तो पेपर प्लेन के ऊपर आएगा या पेपर प्लेन के नीचे जाएगा, इस तरह से आप डायग्राम दिखा देंगे, पेपर प्लेन के ऊपर पेपर प्लेन के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। ट्विस्टिंग वाइब्रेशन के अंदर क्या हो रहा है, वन एटम मूव्स अप एंड अनदर मूव्स डाउन विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। तो आपको याद आ रहा होगा एक मूवी आई थी पहले लव आजकल, उसका एक सॉन्ग था ट्विस्ट 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 ऐसे करके कुछ सॉन्ग था। तो सॉन्ग के अंदर आपने देखा होगा
पूरा सॉन्ग के जो वर्डिंग्स हैं, लिरिक्स जब चलते रहते हैं तब तक तो हीरो डांस करता रहता है, भागते रहता है, लेकिन जैसे ही ये वर्ड आता है ट्विस्ट, तो तुरंत अपनी जगह पर रुकते हैं, हाथ आगे करते हैं और ये मूवमेंट करते हैं, ठीक है, ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, ये अंगूठा जो है ये ऊपर जा रहा है, ये हाथ जो है ये उंगली नीचे आ रही है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, एक एटम ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा, तो ट्विस्टिंग वाइब्रेशन, इस तरीके जो वाइब्रेशन होंगे उन्हें हम ट्विस्टिंग कहेंगे। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन हम दिखाएंगे उसमें एक तरफ प्लस साइन दिखाएंगे, दूसरी तरफ माइनस साइन दिखाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है, मॉलिक्युलर वाइब्रेशन जो है वो दो तरह के थे, एक तो स्ट्रेचिंग, दूसरे बेंडिंग। स्ट्रेचिंग में बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही थी, तो बॉन्ड लेंथ सिमेट्रिक भी हो सकती है, यानी दोनों बॉन्ड लेंथ एक साथ कम हो एक साथ ज्यादा हो, या एसिमेट्रिक भी हो सकती है, यानी एक तरफ की बॉन्ड लेंथ बढ़े और दूसरी तरफ की बॉन्ड लेंथ कम हो, ठीक है। दूसरा है बेंडिंग वाइब्रेशन, जहां पे बॉन्ड एंगल चेंज होगा, बॉन्ड एंगल चेंज होने के बेसिस पे चार तरह के वाइब्रेशन हो सकते हैं, रॉकिंग जहां दोनों या तो लेफ्ट जा रहे हैं या दोनों राइट जा रहे हैं, सीजरिंग जहां दोनों पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, वैगिंग ऊपर या नीचे, और ट्विस्टिंग एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। जैसे जिग्सॉ अभी एक आंसर यहां चैट में लिख के भेज रहे हैं, सीसॉ जैसे हम चलाते हैं तो एक ऊपर आता है एक नीचे आता है, सेम इसी तरह का मूवमेंट यहाँ पे होगा। थैंक यू विवेक एक नया वर्ड देने के लिए, ठीक है। तो ये टोटल मॉलिकुलर वाइब्रेशन का जो आंसर है वो आपको यहां तक देना है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हाउ मेनी आर द नंबर ऑफ मॉलिकुलर वाइब्रेशंस, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो सकते हैं। तो अगर कोई लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर कोई एक लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर जो वाइब्रेशंस हैं वो 3n-5 होते हैं। अब लीनियर मॉलिक्यूल जैसे CO2 हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर वाइब्रेशन जो है वो 3n-5 होंगे। अब अगर कोई मॉलिक्यूल ही डायएटॉमिक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल OH हो गया, ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो इसके अंदर केवल डायएटॉमिक है, या सीधे सीधे हम एग्जांपल लेते हैं OH की जगह HCl का एग्जांपल ले ले रहे हैं, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। N2 का मॉलिक्यूल अगर हम ले लें तो N2 का मॉलिक्यूल भी लीनियर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हैं वो होते हैं 3n-5, ठीक है, 3n-5 क्यों, क्योंकि हम लोग जहां पे n क्या है, n है नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो n होता है, और 3 हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रह रहे हैं, ठीक है, हम किस वर्ल्ड में रहते हैं, जहां पे 3 डायमेंशंस प्रेजेंट हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब सर मैं क्लास ले रहा हूं, हमने 4 बजे तक, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर मॉलिक्यूल जो है वहां पे एन जो है उसका हो गया नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। अब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस तो होंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि IR रेडिएशन के अंदर इतना रेडिएशन नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उसे एक्साइटेड स्टेट जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उसे करा पाए, तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस वहां पे हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो थोड़ी कम चाहिए होती है। वाइब्रेशनल से कम एनर्जी किसके लिए चाहिए, रोटेशनल मोशन के लिए, और ट्रांसलेशनल के लिए और भी कम एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल में वाइब्रेशनल मोशन भी होंगे, रोटेशनल भी होंगे और ट्रांसलेशनल मोशन भी होंगे। अब ये जो -5 और -6 है ये क्या है, -5 क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें केवल वाइब्रेशनल मोशन निकालने हैं, तो हम रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन को काउंट नहीं करेंगे। तो ट्रांसलेशनल मोशन किसी भी मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल अपनी जगह से ट्रांसलेशनल मूवमेंट मींस केवल हल्का सा शिफ्ट हो गया एक तरफ को,
तो वो तीन एक्सिस पे ट्रांसलेशनल मूवमेंट कर सकता है। हमें वाइब्रेशनल मूवमेंट निकालना है तो माइनस थ्री कर दिया हमने, क्योंकि ये तीन ट्रांसलेशनल मूवमेंट कर सकता है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल भी और लीनियर मॉलिक्यूल भी। अब अगर मैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की बात करूं तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल तीन रोटेशनल मोशन भी कर सकता है, यानी वो एक्स एक्सिस पे भी रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस पे भी रोटेट कर सकता है और जेड एक्सिस पे भी वो रोटेट कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे थ्री रोटेशनल मोशन कम कर दिए, तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जो है उसके लिए जो माइनस सिक्स हो रहा है उसमें तीन हमने रोटेशनल और तीन ट्रांसलेशनल मूवमेंट जो है वो हमने कम कर दिए। अब जो बचे हुए मूवमेंट होंगे 3n में से जो बचे हुए मूवमेंट होंगे वो केवल वाइब्रेशनल मूवमेंट बचे हुए रह जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेंगे लीनियर मॉलिक्यूल का। अब अगर कोई मॉलिक्यूल लीनियर है तो उस लीनियर मॉलिक्यूल में जो रोटेशन हो रहा है, ठीक है, मैं एक बार फिर कैमरा अपना शुरू करता हूं। ये जो रोटेशन हो रहा है लीनियर मॉलिक्यूल में, ये अपना जो एक्स एक्सिस है यानी जिस एक्सिस पे ये है, अगर इस एक्स एक्सिस पे मैं इसे रोटेट करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल CO2 के मॉलिक्यूल को मैं ऐसे रोटेट करूं अपनी ही जगह पे, तो वो रोटेशन हमें विजिबल नहीं होगा। जो भी रोटेशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन, वो वहां पे विजिबल नहीं होगा। कौन सा विजिबल होगा? जब वो पेपर प्लेन के ऊपर या नीचे की तरफ रोटेट हो, या ऐसे ऊपर या नीचे की तरफ रोटेट हो। अगर वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट होगा तो वो रोटेशनल मोशन हमें लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस टू किया है, ठीक है। तो आपको ये समझ में हो गया है 3n-5 क्यों किया है यहाँ पे, क्योंकि जो एक्स एक्सिस पे रोटेशनल मोशन है वो हमें विजुलाइज नहीं होगा। अब एक एग्जाम्पल में के थ्रू मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO2, CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है। हाँ, अभी इसी का ही एग्जाम्पल मैं दिखाऊं, CN-5 है बेटा। CN-5 क्यों हो रहा है? तीन तो आपके ट्रांसलेशनल मूवमेंट कम हो गए और तीन रोटेशनल मूवमेंट कम हो गए नॉन लीनियर के अंदर। अगर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जब मैं अपने ही एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस ऐसे जा रहा है, जब इस पे रोटेट करूंगा तब भी मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, जब मैं इसे ऐसे करके रोटेट करूंगा तब भी मूवमेंट दिखाई दे रहा है, और जब पेपर प्लेन के आगे या पीछे रोटेट करूंगा तब भी मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो तीन तरह के रोटेशनल मूवमेंट हैं, तीन तरह के ट्रांसलेशनल मूवमेंट हैं, तो टोटल माइनस सिक्स हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल बिल्कुल सीधा हो गया, अब उस लीनियर मॉलिक्यूल में ये वाला मोशन, ठीक है, और ये वाला मोशन, ये तो दोनों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसे अपनी ही जगह पे रोटेट करूं, CO2 ऐसे अगर आप देखें, अगर मैं अपनी ही जगह पे रोटेट करूंगा तो वो कोई भी मूवमेंट मुझे विजुलाइज नहीं हो रहा है, वो मूवमेंट बिल्कुल भी विजुलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने CO2 के लिए कहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो 3n-5 होंगे लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। तो CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए 3n-5 की वैल्यू क्या होगी मुझे बताइए जल्दी से। 3n हो गया, नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 3, 9-5 कितना हुआ? 4, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं H2O का। H2O मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है, ठीक है, H2O नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ऐसे करके शेप होगा H2O का, ठीक। अब H2O के लिए नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने होंगे, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन? 3n-6 करेंगे तो यहाँ पे कितने वाइब्रेशन आएंगे? 3। अब इन वाइब्रेशन को देखते हैं कि कैसे ये 4 हो रहे हैं, कैसे ये 3 हो रहे हैं। अब आप देखिए, CO2 के मॉलिक्यूल में दो तो वाइब्रेशन होंगे स्ट्रेचिंग के, एक तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। पहले तो वाइब्रेशन क्या है CO2 के अंदर? सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, यानी एक तो हो गया कि जब दोनों एटम ऐसे दूर जा रहे थे CO2 के, दूसरा हो गया दोनों एटम ऐसे पास आ रहे थे।
तो ये जो वाइब्रेशन है, दोनों एटम पास आना दोनों एटम दूर जाना, ये वाला जो है ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो गया। दूसरा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होगा इसके अंदर एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये दो वाइब्रेशन होंगे, टोटल वाइब्रेशन कितने हैं? चार। तीसरा वाइब्रेशन क्या होगा? आउटसाइड द प्लेन, ठीक है, और ब्लो द प्लेन, ठीक है। ये वाला जो वाइब्रेशन है ये भी इसके अंदर देखने को मिलेगा CO2 के मॉलिक्यूल के अंदर, यानी या तो दोनों एटम ऊपर जाएंगे या दोनों एटम नीचे आएंगे। ये जो O जो है ये या तो ऊपर जा रहा है दोनों, या दोनों नीचे जा रहा है। तो इसे हमने क्या नाम दिया था? वैगिंग वाइब्रेशन। शुभम अभी समझा रहा हूं, मैं वही चीज समझा रहा हूं। दोनों या तो ऊपर जा रहे हैं या दोनों नीचे जा रहे हैं। तो पहला था सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, दूसरा था एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, तीसरा था वैगिंग, चौथा होगा ट्विस्टिंग, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो इस तरह से चार मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे H2O के मॉलिक्यूल में, ठीक है, H2O के मॉलिक्यूल के अंदर भी दो तो सिमेट्रिक वाइब्रेशंस हो गए, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। ये मॉलिक्यूल ऐसे है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, ठीक है, ऐसे एक साथ दोनों की बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, पहला तो वाइब्रेशन ये, दूसरा एक की कम एक की ज्यादा, ठीक है। तो दो वाइब्रेशन तो ये हो गए। अब तीसरा वाइब्रेशन मैंने क्या बताया था? पेपर प्लेन के दोनों या तो ऊपर जाएं या दोनों नीचे जाएं। अब यहां पे आप देखिए इस मॉलिक्यूल का शेप पहले से ही ऐसा बना हुआ है कि ये जो हाइड्रोजन एटम है ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब चाहे तो ये एटम ऐसे रहें, अभी तो ये ऐसे हैं ही पहले से ही, ठीक है। अब चाहे वो ऐसे हो जाएं, दोनों ही चेंज में कोई रिलेटिव मूवमेंट तो चेंज हो ही नहीं रहा है ना। H2O चाहे मैं ऐसे करके लिखूं, चाहे H2O ऐसे करके लिखूं, दोनों के अंदर कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर वैगिंग वाला ट्रांजिशन जो है वो फॉरबिडन होता है, यानी हो तो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहें कि इसमें भी तो ये मूवमेंट हो सकता है, लेकिन वो मूवमेंट जो है वो मेजरेबल नहीं है, वो मूवमेंट हमें विजुलाइज नहीं होता है। कौन सा मूवमेंट दिखाई देगा? जो ट्विस्टिंग वाला है, यानी एक एटम आगे की तरफ हो गया दूसरा पीछे की तरफ, जब इस तरह का वाइब्रेशन होगा तो वो हमें विजुलाइज होगा। तो कौन सा वाला मूवमेंट इन दोनों में कम हो गया? वो था वैगिंग वाला, ठीक है, क्योंकि इसके लिए वैग चाहे आगे कर लो चाहे पीछे कर लो, वो वैग वाला जो मूवमेंट है वो विजुलाइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हमें इतना ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, केवल मैं आपको एग्जाम में अगर कभी पूछ लिया जाए कोई एक मॉलिक्यूल देखे कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होंगे, तो अगर वो मॉलिक्यूल लीनियर है तो 3n-5 लगा देंगे, अगर नॉन लीनियर है तो वो 3n-6 लगा देंगे। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होगा वो भी ऑटोमेटिकली बात है कि लीनियर ही होगा, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है तो वो भी 3n-5 में ही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये इसी का डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आपको स्लाइड के अंदर मिला हुआ है। अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल वो लिख के दे देता है और कहता है फाइंड इफ द मॉलिक्यूल इज आईआर एक्टिव और इनएक्टिव। तो कोई भी मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव तभी होता है जब उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट हो, यानी जब वहां पे चेंज इन डाइपोल मूवमेंट होगा या उस मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता होगा, केवल तब वो मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होगा, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट जो है वो कब होता है? डाइपोल मूवमेंट आप लोग जानते हैं, जब भी सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है डाइपोल मूवमेंट की यूनिट डीवाई यूनिट होती है, और इसका फॉर्मूला क्यू इंटू डी होता है। आप लोगों ने फिजिक्स जो 12th में पढ़ी होगी उसका फर्स्ट चैप्टर ही था डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड। तो ये टर्म मुझे आपको समझाने की अलग से जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा डाइपोल मूवमेंट होता क्या है। अब हमें क्या चीज याद रखनी है? आईआर स्पेक्ट्रम में केवल वो मॉलिक्यूल एक्टिव होंगे जिनके अंदर डाइपोल मूवमेंट या तो होता है, ठीक है, या तो मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मूवमेंट है, या वो मॉलिक्यूल चेंज इन डाइपोल मूवमेंट शो करता है। जैसे अब N2 का मॉलिक्यूल है, N2 में क्या कोई डाइपोल बन रहा है? नहीं, क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। डाइपोल तो समझ में आ रहा है ना, जैसे HCl है, ठीक है, इसमें क्या होगा? Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो शेयरिंग पेयर है वो स्लाइटली
क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शली नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं डाइपोल बन जाना। ठीक है, तो अब N2 जो है, N2 के अंदर दोनों नाइट्रोजन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं। ठीक है, तो ये IR इनएक्टिव हो गया, O2 IR इनएक्टिव हो गया, H2 IR इनएक्टिव हो गया, Cl2 IR इनएक्टिव हो गए, क्योंकि इन मॉलिक्यूल के अंदर नो चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, या तो मैं कहूं कोई डाइपोल मूवमेंट में चेंज नहीं हो रहा है, या मैं कहूं कि डाइपोल मूवमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अब कौन कौन से मॉलिक्यूल डाइपोल IR एक्टिव होंगे, जैसे HCl, NH3, ठीक है, CO2 का जो मॉलिक्यूल है, CO2 का मॉलिक्यूल ऐसा है जो IR एक्टिव भी है और रमन एक्टिव भी है। ठीक है, CO2 और CH2 इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कैसे CO2 और CH2 IR और रमन दोनों में एक्टिव हैं। इस डिटेल को मैं जब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बता रहा हूंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप लोग केवल इतना याद रखेंगे कि CO2 और CH2 का मॉलिक्यूल अगर दिया हुआ है तो वो IR में भी एक्टिव होगा और रमन में भी एक्टिव होगा। कैसे होगा, चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, ये मैं आपको जब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाऊंगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए केवल हमें ये याद रखना है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें चेंज इन डाइपोल मूवमेंट होगा केवल वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एक्टिव होंगे। ठीक है, और CO2 और CH2 दोनों के अंदर एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट टर्म है फंक्शनल ग्रुप रीजन और फिंगरप्रिंट रीजन। देखिए एग्जाम में जनरली जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस हैं वो यहां तक के पार्ट से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर कभी वो पूछ लेता है कि फंक्शनल ग्रुप रीजन क्या है, फिंगरप्रिंट रीजन क्या है, तो इसके बारे में केवल आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, जिससे कि आप आधा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए जाएंगे तो आपको इस तरह की एक टेबल आपकी बुक्स के अंदर बनी हुई है, मैंने तो केवल चार ही रेंज लिखी हुई है, ठीक है, उस बुक के अंदर ये टोटल 15 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप उनके लिए ये सारी फ्रीक्वेंसी याद करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, हम लोगों को खुद भी याद नहीं होता है, जबकि हम लोगों ने पीएचडी पूरा आईआर और एनएमआर करके ही कंप्लीट कर लिए इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो इसे आपको रटने की जरूरत नहीं है, केवल आप क्या करें कि फंक्शनल ग्रुप रीजन जो है उसके बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उस बेसिक इंफॉर्मेशन को हम याद कर लें, जिससे कि अगर मान लीजिए आपसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप रीजन और फिंगरप्रिंट रीजन पूछे जाते हैं तो आप ये स्टार्टिंग वाली इंफॉर्मेशन इसे लिख कर आ जाएं, ठीक है, और ऐसे ही फिंगरप्रिंट रीजन के बारे में लिख कर आ जाएं, जिससे कि आपको कुछ मार्क्स तो मिल जाएं। ठीक है, अगर आपको ये रेंज कुछ याद हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद होती है तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप रीजन को हम ग्रुप फ्रिक्वेंसी रीजन भी बोलते हैं। तो कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो अपना एक स्पेसिफिक रीजन में सिग्नल जो है उसे देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ग्रुप की बात करता हूँ, ये OH ग्रुप है, ठीक है, अब ये OH ग्रुप या तो एल्कोहल के अंदर होगा या फिनॉल के अंदर होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर होगा। ठीक है, अब है तो हाइड्रोक्साइड ग्रुप ही, लेकिन आप देख रहे होंगे कि उसके सिग्नल अलग अलग जगह पे देते हैं। ठीक है, अब ये जो सिग्नल है वो अल्कोहल में, मान लीजिए वो प्राइमरी अल्कोहल है तब भी उसका सिग्नल यहीं आ रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल है तब भी सिग्नल यहीं आ रहा है, टर्शियरी अल्कोहल है तब भी सिग्नल यहीं आ रहा है, और अगर मैं फिनॉल की बात करूं तो फिनॉल का सिग्नल भी केवल 50 सेंटीमीटर इनवर्स के फ्रिक्वेंसी चेंज पे ही आ जा रहा है। ठीक है, फिनॉल के अंदर। अब अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की बात करूं तब भी ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप का जो सिग्नल है वो थोड़ा सा और चेंज हुआ और उसके अंदर ये सिग्नल यही दे दिया। तो एक तरह से अगर देखें कि मेरे सिग्नल जो है वो 3600 के पास आ रहा है तो प्राइमरी अल्कोहल भी हो सकता है, सेकेंडरी भी, टर्शरी भी, फिनॉल भी और कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में भी वो प्रेजेंट हो सकता है, केवल थोड़ा बहुत चेंज वहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ग्रुप फ्रिक्वेंसी रीजन क्या कह रहा है कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप की एक रेंज होती है जहां पे ये सिग्नल दे रहा है। तो अगर मेरे पास 3600 के आसपास कोई सिग्नल आता है तो मैं आइडिया लगा सकता हूँ
कि ये अल्कोहल ग्रुप होगा, चाहे ये प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, या ये जो है फिनॉल के अंदर है, या ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर है। तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप के रीजन को हम पता कर सकते हैं। इसकी जो रेंज है वो 4000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में है। ठीक है, तो 4000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में इसका रेंज होता है। फंक्शनल ग्रुप के रीजन को डिटेक्ट करने के काम आता है, यानी इससे हम किसी फंक्शनल ग्रुप का पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये पता चल जाता है कि इस ग्रुप ऑफ फंक्शनल ग्रुप में ये प्रेजेंट होगा, यानी एक ग्रुप ऑफ फंक्शनल ग्रुप होगा जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि इनमें से कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। ठीक, आगे दिया हुआ है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एब्जॉर्ब डिफरेंट करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज इन दिस रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। अलग अलग फ्रीक्वेंसी ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये रेंज याद कर सकते हैं या केवल इतना ही लिख के आ सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी रीजन इसका नाम दे दिया है, 4000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच होता है। और फंक्शनल ग्रुप जो है, एक सेट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वो एक रीजन के अंदर सिग्नल देता है इसके अंदर, तो उसको हमने लिखा है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एब्जॉर्ब एट करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज इन दिस रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। अब दूसरा है फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन का जो रेंज है वो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे होता है। ठीक है, 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से एक्चुअल में 650 सेंटीमीटर इनवर्स तक जाता है। ठीक है, इसका जो काम है, जैसे ह्यूमन फिंगरप्रिंट होते हैं, सेम ऐसे ही फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर सिग्नल जो है वो बिल्कुल कंफर्म आता है। यानी अगर मुझे ये डाउट है कि ये जो ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप जो है, ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप किसकी वजह से आ रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल की वजह से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, तो उस इंफॉर्मेशन को पता करने के लिए मुझे फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर सिग्नल लेना होता है। अब कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि हम फंक्शनल ग्रुप रीजन में सिग्नल ले ही क्यों रहे हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप रीजन की जगह हम सीधे फिंगरप्रिंट रीजन में ही सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है कि जैसे फंक्शनल ग्रुप रीजन के अंदर सिग्नल आ रहे थे, सेम ऐसे ही फिंगरप्रिंट रीजन में OH और NH, ठीक है, OH ग्रुप और NH ग्रुप दोनों का सिग्नल जो है, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली 800 सेंटीमीटर इनवर्स पे आता है, यानी 780 775। ठीक है, तो अगर मैं केवल फिंगरप्रिंट रीजन में सिग्नल लूंगा तो मुझे ये कंफर्म नहीं होगा कि ये OH की वजह से है या NH की वजह से है। ठीक है, NH का भी जो सिग्नल है वो भी 800 के आसपास ही आता है, यानी इसका जो है वो 775 के करीब रहता है और इसका 780 या 790 के करीब रहता है, मैं 785 लिख देता हूँ। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि ये कौन से फंक्शनल ग्रुप की वजह से ये सिग्नल आ रहा है, बेटा हरिशंकर आपने नाम लिखा हुआ है, आप ECA से हैं क्या? हेलो। यस सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ हरिशंकर बेटा, आप ECA से हैं? यस सर। ठीक है ठीक है, आपकी अटेंडेंस गिरी सर लगाते हैं, तो मैं उनके पास आपकी अटेंडेंस पहुंचा दूंगा। थैंक यू। ठीक है सर। तो NH ग्रुप जो है उसका और OH ग्रुप दोनों का सिग्नल लगभग पास पास आ रहा है। अब हमें ये कंफर्म कैसे होगा कि ये OH का सिग्नल है या NH का सिग्नल है, तो हम किसे देखते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप रीजन के अंदर सिग्नल आया है। अगर फंक्शनल ग्रुप रीजन का सिग्नल 3600 के पास है और फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर सिग्नल 800 के पास है, तो वो हाइड्रोक्साइड ग्रुप को कंफर्म कर देता है। ठीक है, और अगर ये प्राइमरी अल्कोहल में हाइड्रोक्साइड ग्रुप को कंफर्म करेगा, और अगर ये NH के लिए सिग्नल आ रहा है, NH2 ग्रुप में, एमीन ग्रुप में जो NH है उसके लिए सिग्नल अगर आ रहा है प्राइमरी एमीन के अंदर, तो वो सिग्नल ये कंफर्म कर देगा। तो मैंने ये प्राइमरी अल्कोहल और प्राइमरी एमीन के सिग्नल को कंपेयर किया है, दोनों के सिग्नल सेम आते हैं फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर, लेकिन ये कंफर्म कब होगा, जब मुझे फंक्शनल ग्रुप रीजन के अंदर इंफॉर्मेशन पता होगी।
तो एक्चुअल में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई भी कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए पहले हमें उसका फंक्शनल ग्रुप रीजन के अंदर सिग्नल निकालना होता है, फिर उसका फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर सिग्नल निकालना होता है। जब दोनों के अंदर सिग्नल निकल के आ जाता है तब जाके हमें उस कंपाउंड की आइडेंटिटी पता चलती है। तो इस बात को आप कल तक याद रखेंगे जब मैं डिस्कस करूंगा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर और रमन के डिफरेंसेस को। तो एप्लीकेशन लगभग सेम वही रहेंगे जैसे हमने कल यूवी के लिए लिखे थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इंटर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्ट्रक्चर इलुसिडेशन, इलुसिडेशन बोलते हैं कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर जब पहली बार बनाते हैं तो उसे इलुसिडेशन बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड, कोई भी अननोन कंपाउंड है उसे आइडेंटिफाई करने में, कल हम लोगों ने बताया था कि कॉन्जुगेशन जो है अल्टरनेट डबल बॉन्ड उसको आइडेंटिफाई करने में यूवी का यूज होता है, तो आईआर भी फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के ही काम आता है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड में डिफरेंस करने के लिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है उनको भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे। तो बाकी के सारे जो एप्लीकेशन है मैंने आपको बताया था आईआर, यूवी और रमन, तीनों में से किसी के भी एप्लीकेशन आपसे पूछे जाए, क्योंकि तीनों का एप्लीकेशन मेजर जो है वो फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में ही है, तो आप तीनों में से किसी का भी आंसर लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, तो कल के लिए हम लोग क्या करेंगे, कल हमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करना है। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कल का जो लेक्चर का टाइम रहेगा वो 2:30 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं कल ये चाह रहा हूँ कि रमन के साथ साथ हम लोग माइक्रोवेव भी कंप्लीट कर दें। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कल ही फिनिश कर देंगे, जिससे कि हमारे टोटल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं, सिलेबस कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कल सर कल तो क्विज है हमारा। किसका क्विज है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कल टेस्ट है हम लोगों का। नहीं कल नहीं है वो, कल अब उसे पीछे हटा दे रहे हैं, कल वाला टेस्ट हम पोस्टपोन कर दे रहे हैं, अभी मैं मैसेज करा दे रहा हूँ, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि कल तक टेस्ट पूरा करा, सॉरी सिलेबस पूरा कराना है, तो कल पहले सिलेबस पूरा करा लेते हैं, उसके बाद टेस्ट तो बाद में भी ले लेंगे। अभी तो आपका मंडे तो सेशनल शुरू हो ही गए हैं आपके ट्यूजडे से। ओके सर, तो कल का जो टेस्ट है टेस्ट को हम पोस्टपोन कर देते हैं, अभी मैं मैसेज डाल देता हूँ, और कल हम लोग 2:30 पे आएंगे, और हो सकता है कि लेक्चर 1 आवर से ज्यादा हमें लेना पड़ जाए, क्योंकि रमन के साथ साथ हमें माइक्रोवेव भी खत्म करनी है, तो 1 घंटा 1.25 घंटे के अंदर हम लोग उसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू।